आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिएक्ट का एक फीचर जो कि है डेंजरसली सेट इनर एचटीएमएल। किसी भी एक कंटेनर के अंदर आपको एचटीएमएल डालनी है तो आपको यूज़ करना पड़ता है डेंजरसली सेट इनर एचटीएमएल। अगर आप लोग डायरेक्टली एचटीएमएल को रेंडर करने की कोशिश करोगे तो वो जो टैग्स होते हैं वो एज इट इज़ आपके पेज पर रेंडर हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा यूज़र के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेंजरसली सेट इनर एचटीएमएल के थ्रू किस तरह से हंटिंग कोडर का जो ब्लॉग है जिसमें सिर्फ एक पैराग्राफ था, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट था, किस तरह से उसमें हम लोग डाल सकते हैं HTML कंटेंट ताकि वो अच्छा दिखे, खूबसूरत दिखे और फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हमारे पास बढ़ जाएं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और देखते हैं कि हंटिंग कोडर के अंदर हम लोग HTML किस तरह से यूज करेंगे। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं डेंजरसली सेट इनर HTML के बारे में। अब यार क्योंकि हम बहुत आगे आ चुके हैं इस कोर्स के अंदर, तो मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि आप लोग यहाँ पर यान रन कर लो और इसके बाद डेव लिख दो और उसके बाद कंट्रोल क्लिक करके अपना सर्वर खोल दो, ये सब बातें मैं नहीं बता रहा, ठीक है। हम डायरेक्टली अब यहाँ पर डेंजरसली सेट इनर HTML की बात करेंगे। देखो यार, टिपिकली जो हमारा ब्लॉग होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो HTML होने वाला है। अगर आप यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना चाहते हो, लेट अस से मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ हाउ टू लर्न फ्लास्क, ठीक है, और मैं इस कंटेंट को यहाँ पर एज HTML लिखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं मतलब कुछ इस तरह से लिखना चाहता हूँ कि मैं फॉर्मेटिंग को रिटेन कर सकूँ। मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक HTML एडिटर कोई ले लेते हैं ऑनलाइन, कोई मिल जाए अगर तो, कोई HTML एडिटर ऑनलाइन मिल जाए कोई बढ़िया सा। यहाँ पर क्या मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ वर्ड से यहाँ पर? नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये वाला, ये एडिटर मुझे चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका जो आउटपुट है वो क्या है, इसका आउटपुट है ये HTML, ठीक है। अब अगर मैं इस HTML को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर क्यों पेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इससे न्यू लाइन हटाना चाहता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट एंड कर दूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा इसको अब, ठीक है। और कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं पार्सिंग में, वो क्या आ रहे हैं, जल्दी से कमांड पैलेट में जाकर वर्ड रैप और स्क्रीन कास्ट मोड दोनों ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अभी पता चल जाएगा क्या आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये यहाँ पर ये आ रहा है एरर, HTTP:// ये क्या एरर आ रहा है, डबल कोट आ गया दोबारा से, तो मुझे / डबल कोट से रिप्लेस करना पड़ेगा डबल कोट को। तो थोड़े बहुत नियम कानून होते हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत नियम कानून होते हैं। तो यार मुझे एक टूल मिल गया ऑनलाइन जिसका नाम है freeformatter.com। इसमें मैंने एक टूल मैंने सर्च किया था एस्केप जेसन और मुझे पहला मिल गया। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर अपनी जेसन स्ट्रिंग डाल दी, इसने मुझे एज अ सेव जेसन आउटपुट करके दे दी, ठीक है। सिंपल सी कहानी है। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा और सारी की सारी जो फालतू टैब्स हैं उन्हें बंद करूँगा, क्लोज टैब्स टू द राइट, इस पेज को रीलोड करूँगा और यहाँ पर देखो क्या हुआ, दिक्कत क्या हुई, ये HTML पार्स नहीं हुई, ये HTML एज इट इज इसने दिखा दी। और उसका रीज़न ये है, सेफ्टी, उसका रीज़न है सेफ्टी, आपको सेफ रखना चाहता है नेक्स्ट जेएस बिल्कुल मतलब आपकी मम्मी की तरह एकदम सेफ रखना चाहता है, आपको जाने नहीं देता है कहीं ज़्यादा दूर तक बाहर, ठीक है, कुछ ऐसा समझ लो। लेकिन नहीं, आप कह रहे हैं मैं जा सकता हूँ अकेले, आप कह रहे हैं कि HTML सेफ़ है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि ये HTML को पार्स कर दिया जाए, लेकिन पार्स कैसे करें आपको बताना पड़ेगा नेक्स्ट जेएस को कि आप पार्स करें HTML को। तो इसके लिए एक यहाँ पर टूल होता है, एक सेटिंग होती है डेंजरसली सेट इनर HTML, और वो रिएक्ट में होती है, नेक्स्ट जेएस का पार्ट नहीं है वो, नेक्स्ट जेएस इनफैक्ट वो रिएक्ट का फीचर है। तो मैं डेंजरसली सेट इनर HTML रिएक्ट लिखूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि कुछ इस तरह से आप लोग देखो, मैं रिटर्न करूँगा _HTML और मैं कुछ इस तरह से करूँगा डेंजरसली सेट इनर HTML इज इक्वल टू क्रिएट मार्कअप, ठीक है। जिस तरह से मैंने ये काम किया है वही काम मैं यहाँ पर करूँगा। तो मैं आऊँगा अपने slug.js में और यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ कि जो blog.content है मैं इसको कुछ इस तरह से डालूँगा डिव के अंदर। मैं कहूँगा डेंजरसली सेट इनर HTML इज इक्वल टू क्रिएट मार्कअप, ठीक है, Ctrl+X और मैं ऐसे करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा ब्लॉग एंड कुछ इस तरह से और यहाँ से blog.content को हटा दूँगा, ठीक है। क्या मैं सही हूँ यहाँ पर? मैंने कुछ इस तरह से किया है, क्या मैं सही हूँ यहाँ पर? नहीं, मैं सही नहीं हूँ क्योंकि मुझे डेव को यहाँ लिखना पड़ेगा। अब मैं सही हूँ, ठीक है। अब मुझे क्रिएट मार्कअप का जो मेथड है ये बनाना पड़ेगा और ये मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यार बनाऊँगा क्यों, ठीक है। कहाँ गया मेरा सोर्स कोड, मैं यहाँ पर बना लूँगा इसको अपने कंपोनेंट के अंदर ही बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप, मैंने जैसे ये काम किया और अब मैं रीलोड करूँगा तो मुझे मिलेगा एक एरर, ये कह रहा है कि कैन ओनली सेट वन ऑफ चिल्ड्रेन
और प्रॉप्स डॉट डेंजरसली सेट इन एचटीएमएल। ओके, तो ये कह रहा है कि भाई यहाँ तो मैं ये स्पेस डाल दूँ या मैं डेंजरसली सेट इन एचटीएमएल डाल दूँ, तुम बता दो क्या डालना है। अभी देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है, फर्स्ट सेकंड कुछ इस तरह से आ गया, लेकिन मेरी एचटीएमएल में तो और भी काफ़ी चीज़ें थी, तो ये फर्स्ट सेकंड इस तरह से क्यों आया ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो ब्लॉग एंड क्रिएट मार्कअप, क्रिएट मार्कअप, ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा क्रिएट मार्कअप को ब्लॉग डॉट कॉन्टेंट, ठीक है, और मैं यहाँ पर सी कर दूंगा, इसको सी कर दूंगा, सी फॉर कंटेंट, ठीक है। रीलोड करो और ये देखो यहाँ पर आ गया है, मैं ज़रा डार्क मोड हटा के दिखाता हूँ आप लोगों को, और देखो ये बिल्कुल एचटीएमएल यहाँ पर रेंडर हो गई है जैसे हमने लिखी थी, ठीक है। तो देखो कितना बढ़िया एचटीएमएल रेंडर होकर हमको मिली है यहाँ पर, और इस तरह के काम हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि जो हमारा ब्लॉग है उसको वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़े, ना कि बोरिंग सा दिखाई पड़े कुछ इस तरह से। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे अब कि हमारे ब्लॉग में किस तरह से हम लोग एचटीएमएल को यूज़ करेंगे। लेकिन अभी एक दिक्कत आ गई है यहाँ पर, पता है क्या दिक्कत है, ये देखो यहाँ पर देख रहे हो आप क्या हो गया, ये क्या है, ये ऐसा टेक्स्ट हम लोग दिखाएंगे नहीं, हम ऐसा टेक्स्ट नहीं दिखाना चाहेंगे। हम क्या करेंगे, अपनी जेसन के अंदर हम एक और एंट्री डालेंगे और उसको हम रखेंगे नाम उसका मेटा डीईएससी, और वो हम गूगल को भी सबमिट करेंगे मेटा डीईएससी, और डबल कोट्स फ्लास्क इन फ्यू मिनट्स, आई विल टीच यू फ्लास्क इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। और ये करने के बाद मैं रिलोड करूँगा और कुछ होगा नहीं, ठीक है। उसका रीज़न पता है क्या है, उसका रीज़न ये है कि मैंने अभी कन्फिगर ही नहीं किया है मेटा डीईएससी यूज़ करना, तो मैं मेटा डीईएससी को यूज़ करवाऊँगा अपने इस लग डॉट जेएस में। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये काम मैं कैसे करूँगा, जो मेरा ब्लॉग डॉट जेएस में, सॉरी ब्लॉग डॉट जेएस में, जहाँ पर मैं ब्लॉग कंटेंट का सब स्ट्रिंग बना रहा था। अब मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा मेटा डीईएससी का सब स्ट्रिंग, क्योंकि मेरा जो अभी कॉन्टेंट है वो मेरी क्या है, वो मेरी एचटीएमएल है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड मेटा डीईएससी, क्या दिक्कत आ रही है, देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। ब्लॉग आइटम डॉट मेटा डीईएससी, ब्लॉग आइटम, ओके, सब में डालना पड़ेगा मुझे, सब में डालना पड़ेगा, मैं सिर्फ इसमें डाला है, मुझे सब में डालना पड़ेगा तीनों की तीनों फाइल्स में, ठीक है। एंटर कंट्रोल वी कंट्रोल एस, और यहाँ पर अब रिलोड करूँगा तो ये आ गया, देखो यहाँ पर लर्न फ्लास्क इन फ्यू मिनट्स, आई विल टीच यू फ्लास्क इन फ्यू मिनट्स। आप इसको चेंज कर लेना यार, मुझे पता है अच्छा नहीं लग रहा है। हाउ टू लर्न फ्लास्क खोला तो ये दिखा, और अब इसके बाद हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट ये दिखा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप लोग जो है बड़े आराम से ब्लॉगिंग कर सकते हो एचटीएमएल डालकर यहाँ पर, एंड एट द सेम टाइम अब आपकी यहाँ पर ये भी दिखेगी, आपकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पर दिखेगा। तो आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है, आप लोग ये एचटीएमएल एडिटर जो है, ये वाली वेबसाइट थी क्या, ऑनलाइन एचटीएमएल एडिटर डॉट डेव, ये भी अच्छा एडिटर दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हो, एक हेडिंग बना सकते हो, आजकल यार टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, हे दिस इज़ मी, और ये लिखने के बाद एडिट एचटीएमएल सोर्स कोड, देखो तो आप यहाँ से एचटीएमएल लिख सकते हो, यहाँ से विजीविक में आ गए, यहाँ से एचटीएमएल में आ गए, देख रहे हो आप लोग कितना सही चीज़ है। और ये करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पर एंटर मारोगे जब, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर मान लो मैं ये कॉपी कर दूँ, ये कॉपी कर दूँ मैं कुछ इस तरह से, तो ये देखो ये पूरा आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं अगर इसकी HTML चाहूँ तो मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे टूल्स आजकल आ गए हैं, आप लोग उनको यूज़ कर सकते हो और अपने ब्लॉग को लिख सकते हो, क्योंकि हमारे ब्लॉग का भी बैकएंड तो है नहीं, हमने बहुत ही सिंपल सा ब्लॉग बनाया है। और हमारी स्ट्रैटेजी भी यही थी, हमने कहा कि यार हम स्टार्टिंग में ब्लॉग बनाएंगे, पहले प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे हम, हमारे ब्लॉग पे विजिटर्स आए, एक अच्छा ब्लॉग बने, और एक अच्छा ब्लॉग जब बन जाएगा उसके बाद हम उसको मोनेटाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद हम उसमें और एफर्ट्स लगाएंगे और अच्छा डेवलपमेंट करेंगे, पहले एक बेसिक ब्लॉग बना लेते हैं। हमने कुछ इस सोच से आगे बढ़े थे हम लोग, और सोच भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप और ब्लॉग्स ऐड करना, और आई होप कि आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया किस तरह से हमने डेंजरसली सेट इन एचटीएमएल का इस्तेमाल करा। अगर नेक्स्ट जीएस की प्लेलिस्ट आप लोगों ने अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर एक्सेस करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।